हेलो गाइस, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, जिसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम चिकन। यहाँ पे हमने लिए हैं अनियंस, 4 अनियंस लिए हैं हमें, उनको छोटा छोटा चॉप कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, 2 छोटे टमाटर, 4 चिलीज लिए हैं। यहाँ पे हमने गार्लिक लिया है, जिसके 4-5 कलियाँ लिए हैं, जिसको हमने छोटा छोटा कद्दूकस में क्रश कर लिया है, और एक बड़ा टुकड़ा हमने जिंजर का लिया है। साथ ही हम लोगों ने यहाँ लिया टमाटो सॉस, 1 कटोरी दही, और यहाँ पे आपके पास जो भी मसाले हैं उन सबको मिक्स कर लें। नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर और यहाँ पे जीरा पाउडर हम लोगों ने लिया है, उनको मिक्स कर लिया है। साथ में हम लोग यहाँ पे लेंगे जीरा, लौंग, 1 इलायची और 2 सूखी लाल मिर्च। और इसके साथ ही हम जो हमारे राइस हैं, राइस आप जो भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ करेंगे। अब एक पैन लें, उसमें सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ पे 1 कड़छी हमने सरसों का तेल डाला है, और इस तेल को अच्छे से गर्म होने दें। तेल जब गर्म हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा जीरा डालकर देखते हैं कि तेल गर्म हो चुका है। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा, लौंग, इलायची और लाल मिर्च डाल इसे हिला दें। जब ये गर्म हो जाए इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक हम इसमें डालेंगे। इसके बाद हम इसमें अनियन डाल दें और साथ ही टमाटो, इसे अच्छे से हिलाते रहें। जो हमारे अनियंस हैं और मसाला है, इसे थोड़ा पिंकिश होने दें। अब हम इसमें सॉस ऐड कर रहे हैं, टमाटो सॉस और साथ ही सारे मसाले। और जो हमने दही लिया है, 1 कटोरी दही थी, उसमें से हमने अभी आधी कटोरी यूज़ की है दही, और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दें, थोड़ा सा पकने दें, और 2-3 बूंदें हम इसमें सोया सॉस की डाल रहे हैं। इस मसाले को हिलाते रहें और अच्छे से पकने दें। अब इस मसाले को 10-15 मिनट तक पकने दें, ताकि अच्छे से पक जाए। करीब 10 मिनट तक पकने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें हम अब चिकन के पीसेज ऐड करेंगे। हमने सारा चिकन इसमें ऐड कर दिया, इसके बाद हम इसे इसमें मिक्स करेंगे। तो गाइस, इसे 10 मिनट तक पकने दें। इसमें साथ साथ हम लोग राइस तैयार कर लेंगे। तो राइस मैंने यहाँ पे पहले से तैयार करके रखे हैं, उसको बना लें। अगर आपको इन ब्राउन राइस को तैयार करने की टेक्निक देखनी है, रेसिपी देखनी है, तो मेरे दूसरे चैनल, दूसरी वीडियो पर देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाली हुई है इसकी। तो यहाँ हमने राइस तैयार कर ली है, अब इसमें हम जो हमारी 10 मिनट तक हमने चिकन को पकाया था वो इसमें डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर दें, इन्हें कम से कम 10 मिनट तक अभी हम पकने देंगे। चावल मिक्स करने के बाद इस प्रेशर कुकर को बंद कर दें और इसकी एक विसल लगवा दें। तो गाइस, एक सीटी लगने के बाद हम लोग इसको प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे, और इसकी स्टीम जब निकल जाए तभी आप इसको ओपन करें। तो हमारी जो चिकन बिरयानी है वो रेडी है, आप इसे खा सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।